की बात कहते हैं टीका में कि भगवान तो आप्तकाम है। आप्तकाम का मतलब जिनको कोई भी चीज नहीं चाहिए संतुष्ट करने के लिए, वो संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मकाम कहते हैं। उनका कोई भी काम अपूर्ण नहीं है, सब इच्छा पूर्ण है, लेकिन फिर भी यहां पर कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। तो मैया और दुधी को रो करके उनको दूध देना शुरू करती है, और उस समय वहां पर रखा हुआ था दूध जो उबल रहा था, और दूध उबल के नीचे गिर रहा था। तो वहां पर जो गोस्वामी पार्टी का भी लिखते हैं गोपाल चंपू में, वहां पर वृंदावन में हर एक वस्तु चिन्मय वस्तु है, वहां पर कोई भी वस्तु जड़ वस्तु नहीं है। दूध के अंदर भी चेतना है, दूध सोच रहा है कि अरे मुझे तो लाया गया भगवान की सेवा में लगाने के लिए, और मैं देख रहा हूं कि वो तो मैया का दूध पी रहे हैं, इसका मतलब मैं उनकी सेवा में नहीं लग पाऊंगा। आज जब मैं नहीं लग पाऊंगा सेवा में, तो मेरे जीवन का क्या उपयोग? वो उबल करके आत्महत्या कर रहे हैं, दूध उबल करके बर्तन से नीचे आ रहे हैं आग में कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का क्या उपयोग जब मैं भगवान की सेवा में नहीं लग पाया। देखिए दूध सोच रहे हैं ऐसे, और यहां पर हम सब मनुष्य होते हुए हमारे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता कि अगर मेरा आज भजन नहीं हुआ तो कैसे मेरा जीवन पूर्ण होगा। इतने दिन से हम यहाँ पर आ रहे हैं, भक्त हमें बार बार उत्साहित करते हैं कि प्रभु जी भगवान के नाम का जप करिए, आश्रय करिए। तो हमें सोचना होगा कि ये भक्तगण हमारे कितने हितैषी हैं। आज सुबह हम लोग बात श्रवण कर रहे थे कथा में कि पहले के समय में हर राजा के पास में पुरोहित होते थे। पुरोहित, पुरोहित का मतलब जो उनके हित के बारे में सोचते हैं। कई लोग मिलेंगे जो आपके आपको क्या पसंद है वो भी वही सोचते हैं, आपके मित्रगण, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपके हित के बारे में सोचेंगे। एक जो भक्त होते हैं वो हमारा परम हित चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किस ये किन प्रकार ये जीवात्मा भगवान की सेवा में युक्त होगा तभी इनका परम हित होगा। तो कभी कभी हमको जो पसंद है वो बात हमको अच्छी लगती है, उसको मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं अच्छी लगती है चाहे हमारे हित में हो तभी नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हमको सच में अपना भला करना है, अपना हित हम चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे हितैषी हैं, जो भगवान के भक्त, वो जो हमें कहते हैं जो हमारे हित के लिए है उसको हमको मानना चाहिए, चाहे वो हमको प्रिय न लगे, चाहे वो हमारी प्रिय वस्तु नहीं हो। जैसे सुबह उठना जप करना होता वो प्रिय नहीं लगे, लेकिन अगर हमारे हित में है तो हमें करना चाहिए, हमारे हित में है तो करना चाहिए। तब उसके बाद यहां पर भगवान श्री कृष्ण आप्तकाम कह रहे कि नहीं जी मुझे चाहिए दूध, चाहिए मुझे पीना है, मुझे दूध पिलाओ मैया। तब ये दूध जब वहां से उबल रहे थे, जो गिर रहे थे, तो ये देख करके दूध जब उबलना शुरू किया फिर नीचे आ गया कि नहीं ये मैं कैसा विचार कर रहा हूं, ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि मैया यशोदा जो है वो दूध पिला रही है तिरछे से, और मैं उसे कॉम्पिटिशन कर रहा हूं। मैं इतना तुच्छ भक्त होकर के दूध बोल रहा है कि तुच्छ जीव होकर के और यशोदा माँ के साथ में अपनी तुलना कर रहा हूं, नहीं भगवान का दूध अच्छा लग रहा है पीने दो, कोई बात नहीं नीचे आ गया। जैसे वो उबले थे तो मैया ने देख लिया था दूध गिरने वाला है, तो माँ को लगा कि देखो ये दूध बड़ी मुश्किल से आया है, बड़ी कठिन परम पद्म गंधा का दूध, और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आएगी जहां पर हमको दो सेवा करनी होगी। अब माँ की माँ यहाँ पर सेवा कर रही है भगवान कृष्ण की दूध पिला करके, ये भी एक सेवा है चल रही है, और दूसरी सेवा वहां पर दिख रही है भगवान के लिए, वो भी दूध है जिससे मक्खन बनना है, जिससे कि भगवान दूसरे घर में चोरी करने नहीं जाएंगे, ये उनका प्रयास था। तो अब माँ दुविधा में पड़ गई, क्या सेवा की जाए। कभी कभी भक्तों के जीवन में सेवा का ऐसी दुविधा आती है कि अभी समय कम है हमारे पास, अध्ययन किया जाए कि जप किया जाए, श्रवण किया जाए कि जप किया जाए, आरती करूं कि ये सेवा करूं, ऐसे कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे जहां पर समय कम है और दो सेवा एक साथ में आ गई। तो मैया ने क्या किया यहां पर, मैया ने सोचा देखो मेरा दूध तो हमेशा यहां पर है मेरे पास है, और मैं उसको कभी पिला सकती हूं, लेकिन ये जो अभी पद्म गंधा गाय का दूध आया है 1,009,00,000 गाय का दूध मिला करके 1,000 गाय को, उनमें से 8 गाय को उनको पद्मगंधा घास खिला करके, ये दूध थोड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलेगा। तो भगवान की उत्तम सेवा के लिए उन्होंने इस सेवा को छोड़ दिया। ये अच्छा विचार है, ये अच्छा विचार है। वहां पर चक्रवर्ती पाद कमेंट्री करते हैं, वहां पर रूप गोस्वामी इस बात को भक्ति सामर सिंह बताते हैं कि चानुर मुस्तिका ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में बड़ा आनंद दिया,
आनंद दिया। हम लोग क्या बोलते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब भगवान को आनंद देना, ठीक बात है ना? ये शब्द करते हैं कि भगवान के आनंद के लिए जो कार्य किया जाए उसको भक्ति कहा जाता है। तो चारुण मुस्तिका ने भगवान को युद्ध करके बड़ा आनंद दिया, क्योंकि भगवान को वीर रस का आनंद मिल रहा था। और यहां पर मैया ने भगवान को उनसे दूर करके उनको रुष्ट किया, लेकिन फिर भी श्रोता मैया के इस कार्य को हम भक्ति मान रहे हैं और चारुण मुस्तिका के उस कार्य को भक्ति नहीं मान रहे, जबकि परिभाषा से वो भक्ति है। तो कैसे समझेंगे इस बात, क्या उत्तर है आपका? मैया ने यहां पर भगवान को रुष्ट किया, ये भक्ति है कि नहीं है? भक्ति है। कैसे भक्ति है बताइए सब? क्योंकि उनके बच्चे के लिए सोचा, भगवान के लिए सोचा, तो उसलिए रखा। तो हमको ये नहीं देखना कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम किस भाव से वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें कृष्ण को दूर किया, लेकिन किस भाव से? कि मैं कृष्ण के लिए ही वो अच्छा मक्खन बनाने जा रही हूँ। वहां पर चारों मुस्तिका भगवान को आनंद दे रहे हैं, कि उनका भाव क्या था? भगवान का वध करना, उनका भाव आनंद देना नहीं था। हालांकि भगवान को आनंद मिल रहा है युद्ध में, क्योंकि वो वीर रस का आनंद ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से हम कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान जो है जनार्दन भावग्राही, वो भाव ग्रहण करते हैं, हमारे कार्य को ग्रहण नहीं करते। भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मां के इस भाव को देख करके भगवान अब क्रोध प्रकट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, इसको इस लीला को समझने के लिए आपको पहली लीला समझनी पड़ेगी। कौन सी लीला? विष्णु दर्शन, ब्रह्मांड लिखा था, मृतकोक्षण लीला। क्योंकि भगवान इस जानबूझ के कर रहे हैं सब लीला, क्योंकि उनके मन से बिल्कुल हटाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। तो भगवान के आगे क्रोधित हो गए, जबकि क्रोध भी भगवान के स्वरूप में नहीं आना चाहिए। क्रोध आना मत, भगवान बताएगा त्रिगुणातीत है भगवान। और यहाँ पर क्रोध जो कि तमोगुण का लक्षण है, रजोगुण का लक्षण है, वो प्रकट कर रहे हैं भगवान, कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान क्रोध प्रकट कर रहे हैं मैया के वासल रस को और बढ़ाने के लिए, और उनके उनके स्मृति से पूर्ण रूप से इसको निकालने के लिए कि मैं भगवान हूं, इस चेतना को निकालने के लिए। देखिए भगवान को क्या करना पड़ता है, सोचिए। वृंदावन के भक्तों से भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाना चाहते हैं, सोचिए जैसे कभी गंभीरता से विचार करिए इसको। बाकी सब लोग उनके भगवत्ता को देखना चाहते हैं, उनके ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं, और भगवान स्वयं वृंदावन में अपने भक्तों से अपनी भगवत्ता को छिपा रहे हैं, छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं समझ पाए कि मैं भगवान, मैं उनका बाल वाली हूं, उनका लल्ला ही, कृष्ण कन्हैया हूं। और तब फिर भगवान ने जो आपको लीला पता है, परामर्श मत्यम, उससे पहले लसत कुंडलम को अपने भाजमान, किस प्रकार से भगवान के कुंडल के बारे में वर्णन किया, भगवान के सुंदर स्वरूप के बारे में वर्णन किया इस लीला में। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि नमामेश्वरम, कि ये लीला आप सब सावधान हो जाइए, किसकी लीला है ये? भगवान श्री कृष्ण की, किसी बालक की लीला नहीं है ये, जिसको स्वयं सुदाम दिखा ईश्वर के स्वरूप अर्जुन मान रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम। अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म, अर्जुन ही नहीं देवर्षि नारद व्यास असीत देवल स्वयं ब्रह्मेंगे, और आप स्वयं कह रहे हैं भगवान नारद असीत देवल व्यास ये सब ने भी मान लिया है कि आप भगवान हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप सब ने मान लिया, ब्रह्मा वरुणेंद्र सब आपकी सेवा करते हैं, सत्यात्कम त्वाम शरणम प्रपन्न, सब देवता लोग आकर के ब्रह्मा शिव सब आपके प्रणाम करते हैं भगवान को। उनको कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम से सत्यम सत्यस्य योनिम सत्यश्च निहिते, सत्यस्य सत्यम नेत्र अत नेत्र सत्यम सत्यात्कम त्वाम शरणम प्रपन्न। जब भगवान श्री कृष्ण आए देवकी के गर्भ में, सभी देवतागण ब्रह्मा शिव इंद्र आदि आकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्यात्कम त्वाम शरणम प्रपन्न, हम सब देवतागण आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आप हमारे पूजनीय आराध्य देव आप आए, ऐसे बोले सरकार। और तब यशोदा मैया भगवान को ढूंढना शुरू करती है। लीला भी आप जानते हैं, तो इसलिए मेरे जो लीला आप जानते हैं उसको मैं नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम है मेरे पास। और तब उनको परामृष्ट मत्यम तदो दूत को पिया, उनको पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? ये आज इनको सबक सिखाना है। भगवान तो जान बुझे कर रहे हैं, भगवान चाहते कि मुझे सबक सिखाए, भूल जाए कि मैं भगवान। और अब उनको बांधना शुरू करते हैं,
जब बांधना शुरू करते हैं भैया, तो इसको बहुत सुंदर रूप से शिवराम परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज गोपाल जी के शिष्य हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तक है, उसका नाम है दामोदर जननी, अंग्रेजी भाषा में लगभग 500 पेज की पुस्तक है। उन्होंने क्या किया इस पुस्तक में, खाली एक ही लीला को दामोदर जननी दामोदर लीला को 500 पेज में वर्णन किया है। कैसे किया उन्होंने, इस लीला को लेकर के विष्णु चक्रतिपाल जी गोस्वामी श्रीधर स्वामी सनातन पाद गोस्वामी सुप्रीम गोस्वामी बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य, ये सबको मिश्रण करके उन्होंने करके दिया कि आचार्यगण इस लीला का कितना आस्वादन करें। उनका पूरा मन बुद्धि युक्त कर दिया इस लीला का विश्लेषण करने के लिए। इसको कहते हैं तुष्यंती च रमंती च परस्पर भावुकं कथा। भगवान के भक्त उनका पूरा चित्त वृत्ति भगवान की लीला, इसलिए भगवान लीला करते ही है। अनुग्रह है भक्ता नाम मानसम दिघासित मद भक्ता नाम विनोदार्थम अहम करोमि योद क्रिया। भगवान उत्पन्न पुराण कहते हैं कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही मैं क्रिया करता हूँ, लीला करता हूँ। और भगवान के भक्त क्या करते हैं, जैसे भगवान लीला करते हैं अब उस पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान क्यों ऐसी लीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है। तो बता रहे कि लीला कितनी देर चली थी, बताया आपको कितनी देर में बांधा गया भगवान को, लगभग 12 घंटे में। सोचिए आप, 2 से 2.5 वर्ष की आयु के बालक को बांधने के लिए 12 घंटे का समय। भगवान श्री कृष्ण ऐसा आनंद दे रहे हैं, सोचिए आप। और 12 के 12 घंटे भगवान कहां पर थे, बांधा भैया सुधा के गोदी में बैठे, गोद में बिठा के, और ये हिल उखल है ऐसे बांधने का प्रयास कर रहा है। सोचिए इतना इतना संबंध उनके आनंद दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कृष्णा भैया के, पूरे वासर रस का पूर्ण आनंद दे रहे हैं, पूर्ण आनंद। अखल रसिक शेखर, रसों का जो आदान प्रदान है उसमें अखिल रसिक शेखर, रसों की जो पूर्ण पराकाष्ठा है, जैसे वासल रस उसका पूर्ण आनंद वो भगवान श्री कृष्ण ले सकते हैं, माधुर रस उसका पूर्ण आनंद भगवान श्री कृष्ण ले सकते हैं, ले रहे हैं आप मैया के साथ। इसे उनको अखिल रसिक शेखर का मिला है, रसिक के शेखर। तो मैया के भय से भयभीत हो रहे, यशोदा भियो लोक लातवा, वही भगवान श्रीमद् भागवतम में कपिल देव जी कह रहे हैं मद भयाद वातो वाति यम सूर्यस्तपति मद भयाद बरसात इंद्रो दहति अग्नि मृत्यु चरति मद भयाद, कि मेरे भय से ये वायु इंद्र सूर्य अग्नि ये सब मेरे मेरे आदेश पे मेरे भय से कार्य करते हैं ये लोग, भगवान कह रहे हैं। मृत्यु शरद यमराज भी मेरे भय से जाके सबका प्राण करते हैं, और वही भगवान यहां पर यशोदा भियो लोक कांप रहे हैं, मुहु श्वास कंपा ऐसे सांस आ रही है उनके, और एक सेकंड में कई सांस आ रही है क्योंकि घबराए हुए भगवान, बहुत भयभीत है भगवान। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि यश्य गणेशपति काल मथावलंब्यो जीवंती लोम विंजा जगदंडनाथा विष्णु महान सह ईश कला विशेषो गोविंद माध्य पुरुषम तम हम बजाओगे, कि महाविष्णु के एक श्वास में अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और एक महाप्रलय सब कुछ अंदर, एक श्वास से ये सारी सृष्टि एक नहीं अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। यश्य गणेशपति कालम था अवलंब्यो, वो महान महाविष्णु जो है वो क्या है, विष्णु महान सह इस कला विशेष हो, वो कृष्ण के एक कला विशेष है, पूर्णांश नहीं एक कला विशेष है। तो उसे और कितने महान कृष्णों के सोचिए आप, तो कृष्ण के तो थोड़े से सांस से ही ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर वही कृष्ण मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा का खंड था, ये लीला लीला विचार तत्व विचार लीला विचार, सिद्धांत में भगवान ऐसे हैं लेकिन लीला में ऐसे भगवान कर रहे हैं। और यहां पर भयभीत होकर भी
सतवत मुनि बता रहे हैं कि इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, त्रिरेख रंग का घंटा उनके पूरे यहाँ पर त्रिकंठ हो चुका है और बड़ा सुंदर रूप लग रहा है भगवान का। तो कोई सोच सकता है कि कोई अगर कोई व्यक्ति भयभीत है, अगर कोई भयभीत है, भय में है, डरा हुआ है, तो कभी सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि ये सब ऐसे इमोशंस हैं, इसको बुलाता है कि अच्छे गुण नहीं है ये। जब हंसेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, बोले हंसो यार, क्यों नहीं हंसो, क्या वो उतार कर बैठे हुए हो, ऐसे बोलते हो ना, बड़े क्या मुंह बना रखा है। लेकिन यहाँ पर भगवान भयभीत हैं और सुंदर लग रहे हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, जो परम सत्य होता है वो हर अवस्था में परम सत्य रहता है। तो भगवान का भयभीत होना भी उनके गुण, उनके रूप को प्रकट कर रहे हैं और अच्छा रूप बता रहे हैं। इतने एक हंगा घंटा बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान इसमें। परम पदम भूषण भूषणांग, उनके कुंडल उनके शरीर पर और सुंदर लग रहे हैं भगवान के सुंदर। और तब भगवान मैया ने पकड़ करके बांधना शुरू किया, बहुत रस्सियां आई। शिव धातु में वर्णन है कि इतनी रस्सी आ गई कि बार बार रस्सी दो उंगली छोटी हो रही थी। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं बार बार दो उंगली छोटी पड़ रही थी। सारे गोपियां जाके रस्सी लेके आ गई, उनकी सारे गाय के जो बांधने वाले पैर बांधते दूध दूहते थे और गाय के जो गले से बांधते वो सब रस्सी लेके आ गए लोग, क्योंकि रस्सी थी नहीं वृंदावन में, कहां से थे, सब लेके आ गए। और बार बार भगवान दो, तो आप सोचते होंगे कि अरे ऐसी कैसी बात हो सकता है, अगर बड़ी है तो छोटी करके बांधो, छोटी करने पे फिर दो छोटी पड़े, क्योंकि भगवान का न आदि यस्य अंतम न विदुः सुरा असुर गुण देवाय तस्मै नमः। यस्य अंतम न, जिसके अंत को सुर असुर देवता और असुर अब तक जान नहीं पाए भगवान, जिनका अंत कहाँ है मालूम नहीं है, कैसे बांधने गया, जैसे इसको मैं बांधने जाऊं इसका अंत कहाँ है भैया, अंत इसका है नहीं है, कैसे बांधूंगा उसको, नहीं बांध सकते। यस्य अंतम न, जिसका अंत किसी को पता ही नहीं है, तो बार बार छोटी पड़ रही थी। लेकिन मैया ने क्या किया कि मैया ने प्रयास छोड़ा, प्रयास करते सब लोग बोल रहे हैं। बाद में गोपी ने क्या बोला, एक गोपी बोलती है, एक और नहीं कई गोपी साथ में, कि देखो ये कृष्ण के भाग्य में नहीं है आज तुमसे पर। कितना सुंदर वाक्य, कभी इस पर विचार करिए। वो कह रही है कि कृष्ण के प्रारब्ध में नहीं है तुम आपसे बनना, मैया छोड़ो ये प्रयास छोड़ दो आज। वो ये नहीं बोल रहे कि कृष्ण को आप नहीं बांध पाओगे, वो बोल रहे कि कृष्ण के प्रारब्ध में नहीं है आपसे बनना। आप समझ रहे क्या बोल रहे हैं? और कृष्ण सुन रहे हैं, कृष्ण कह रहे हो मैं भगवान हूं और मैं नहीं बन सकता, ये बोल के मैं बनूंगा और तब तुरंत बचाते हो। गोपियों को पता है कि कृष्ण भगवान को चुनौती बड़ा अच्छा लगता है, चुनौती ग्रहण करते हैं, तो जानबूझ के बोल रही है कि मैया छोड़ दो प्रयास, क्योंकि आज कृष्ण के भाग्य में नहीं है बनना। मेरे भाग्य में नहीं, मैं बनूंगा। कई बार ऐसा होता है, किस भक्त से बोले प्रभु जी आप सेवा कर पाएंगे, आप कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है क्योंकि लोग के अहंकार को ठेस पहुंचता है। एक बार एक सन्यासी थे, तो वो एक लाइफ मेंबर थे, लाइफ मेंबर को प्रीच करते थे, तो लाइफ मेंबर थे, धन देते थे, लेकिन वो अभी तक प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ पाए, 20 साल हो गए। तो एक दिन उनको बोले, बुला करके महाराज बोले कि तुम इस जीवन में प्याज लहसुन छोड़ ही नहीं सकते, कल से छोड़ दिया 20 साल का शिक्षा काम नहीं किया, लेकिन एक दिन ऐसा बोल दिया महाराज ने कि मेरे विचार से ये आप कितना भी प्रयास कर लो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते इस जीवन में। ले लिया उन्होंने, दिल ले लिया, नहीं छोड़ दो दिखाऊंगा, कल से छोड़। तो वैसे भगवान ने बोला, कैसे बोल रही है कि मेरे भाग में नहीं बनना, मैं बन के दिखाऊंगा। और तब भगवान बन जाते। तो वहां पर विश्वनाथ चतुर्थी पाठ कहते हैं और श्रीधर स्वामी आचार्य कहते हैं, वहां पर टीका लिखते हैं कि भगवान की 16 शक्तियां थी, सबके नाम बताए, मैंने नोट किया हुआ, सबके नाम बताए गए 16 शक्तियां। जैसे यश एक शक्ति है भगवान का, ऊर्ध एक शक्ति है भगवान की, श्वेताश्वप से बताया गया कि
प्रारयस्य विभदेश्वयते, प्राश शक्ति विभदेश्वयते, न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, न च समदत् समदृश्य अधिचित दृश्यते, प्रास शक्ति विभदेश्वयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया एवच। ये उपनिषद वाक्य है, वेद वाक्य है। इसमें बताया गया कि भगवान की परास शक्ति विविधेव शूयते, विविध शक्ति भगवान के पास है स्वाभाविक रूप से, ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक रूप से हमेशा। तो सभी शक्तियों की मीटिंग चल रही थी, मैं बताया था उसे आप सुने था। तो 15 शक्ति एक तरफ बैठी हुई है और एक शक्ति अलग हो गई उनसे। 15 शक्तियां कह रही कि नहीं भगवान नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान कैसे बच सकते, भगवान कैसे कोई मान सकता है, हम उनकी शक्तियां हैं, हमारे शक्तिमान को कैसे कोई मान सकता है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे। और एक शक्ति भगवान की करुणा शक्ति है, वो कह रही कि नहीं ये वृंदावन की लीला है और यहाँ पर भगवान को करुणा प्रकट करना है, भक्त वत्सल का गुण प्रकट करना है भगवान को, भगवान को बनना ही होगा। और ये मीटिंग चल रही है 12 घंटे तक मीटिंग चल रही है, इससे भगवान नहीं बच पा रहा है, भैया प्रयास कर रही नहीं बच पा रही, क्योंकि भगवान की शक्ति भगवान को बंद नहीं दे रही है और भगवान देख रहे हैं शक्तियों की तरफ कि क्या हुआ, क्या मीटिंग चल रही है, क्या अभी नहीं आया क्या कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं अभी नहीं बंद देंगे, बोले अच्छा ठीक है चल रहा है। तो करते करते शाम जब सूर्यास्त होने वाला था तब करुणा शक्ति ने सबको कन्विंस कर लिया और सब बाकी 15 शक्ति मान गए कि ठीक है जो भाई कह रहे हैं वृंदावन में इनको बनना ही पड़ेगा भगवान। तो जो सब शक्ति मान गई तो भगवान पूछ रहे अब क्या, तब सब शक्ति बोले कि हाँ ठीक है, करुणा शक्ति बोली भगवान आपको बनना ही पड़ेगा। तो भगवान ने बाकी 15 को देखा कि आप क्या बोल रहे हो, बोले हाँ ठीक है उनकी बात में मान लेते हैं। तब भगवान कहते ठीक है, तब वहां पर शब्द आया दृष्टवा परिश्रमे स्वबंधने, दृष्टवा परिश्रमे, परिश्रम का मतलब जब भगवान ने देखा, परि का मतलब होता है पूर्ण रूप से, जैसे परिवर्तन पूर्ण रूप से चेंज, परिप्रश्न पूर्ण प्रश्न, परिप्रश्न से पूर्ण प्रश्न, उसी प्रकार से परिश्रम, श्रम पूर्ण रूप से। जब भगवान ने देखा कि मैया हर तरफ से प्रयास कर रही है और पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है, उसके मन में एक भी संशय नहीं है, लोग गोपियां कह रही कि मेरे भाग में नहीं है बनना, फिर भी वो प्रयास कर रही है। तो वैसे हमारे जीवन में बहुत से लोग होंगे हमको हतोत्साहित करेंगे, कह रहे क्यों भक्ति कर रहे हो, क्यों माला का जप कर रहे हो, क्यों इस्कॉन के भक्तों के पास में जाते हो, अपना जीवन जीओ, अभी यंग हो, ये सब बढ़ापे का काम है। बहुत से लोग आपको निराश करने वाले मिलेंगे जीवन में, आपके परिवार में, आपके मित्र, लेकिन फिर भी आप यशोदा माँ की तरह आप ठान लेंगे नहीं मुझे भगवान को पाना है इस जीवन में, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। उसको बोलते हैं पूर्ण परिश्रम, परिश्रम। तो भगवान देखते हैं ये, भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि सब लोग हमको हतोत्साहित करने वाले हैं लेकिन फिर भी मैं अपना कितना प्रयास कर रहा हूँ भगवान को पाने के लिए, ऐसी स्थिति में रहते हुए भी जहां पर सब कुछ अनुकूल नहीं है फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तब भगवान बोलते हैं स्वबंधने, यहां पर बड़ा अच्छा शब्द है, देखो स्वामी ने ये नहीं कहा कि माता बंधने, वो कह रही स्वबंधने। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान, अगर भगवान नहीं बंधना चाहे तो उनको कोई नहीं बांध सकता। स्वबंधने इसका मतलब जब तक भगवान कृपा नहीं करें हमको भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे हम कितना भी परिश्रम कर लें, भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की जो भक्ति है ये योग कर्म ज्ञान आदि से अलग है, क्योंकि योग कर्म में आप अपने बल से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में स्वबंधन, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप कितना भी प्रयास कर लें वो पूर्ण, वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उसको कृपा साध्य कहा जाता है। और दूसरा अर्थ स्वबंधने का, प्रसाद जी बात करते हैं, स्वबंधने का मतलब यशोदा माँ और कृष्ण की इच्छा एक हो गई, उनकी इच्छा थी बांधना और भगवान की इच्छा भी होगी कि मुझे बांधना, दोनों की इच्छा एक हो जाती है तब वो कार्य परिपूर्ण होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है हमारी भक्ति में कि भगवान की इच्छा को समझना, और इसके लिए कुछ चार कार्य करने पड़ेंगे हम सबको। प्रशांत की बात कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, बड़ा तत्व है इस लीला, वो कहते हैं कि चार कार्य करने पड़ेंगे, समय हो चुका है, 5 मिनट होने वाले, बस समय है, 5 मिनट। सबसे पहले हमको इच्छा जानने के लिए, भगवान की इच्छा जानने के लिए क्या करना होगा, श्रवणम कर, श्रवण के माध्यम से, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, साधु शास्त्र कृपाए यदि जीव कृष्ण उन्मुख होए, से ही जीव निस्तरे माया ताहे छाड़ाए। कृष्ण दास को समय कहते हैं कि
किस प्रकार से माया हमको छोड़ सकती है, जब हम भगवान की इच्छा को समझते हैं। कैसे समझते हैं भगवान की इच्छा को? साधु शास्त्र कृपाए, गुरु साधु के मुख से श्रवण करके, श्रवण के माध्यम से या शास्त्र के श्रवण के माध्यम से हम भगवान की इच्छा को समझते हैं। जैसे गीता में भगवान क्या कर रहे हैं, मन मना मोहम्मद भक्तो मद्याजी मामन, भगवान की इच्छा है ये, भगवान इच्छा प्रकट कर रहे हैं, सर्वधर्मान प्रदत्त माम एकम शरणम, भगवान की इच्छा है ये, भगवान की अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं साफ साफ शब्दों में, मन मनामो मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम ने मस्करू मुझे प्रणाम करो, भक्त्यामामा भी जाना थी, सिर्फ भक्त से मुझे जान सकते हो, बता रहे भगवान अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं भगवान। व्यवसाय का बुद्धि लेके अपनी पूरी बुद्धि बस मेरी तरफ लगाओ, सारा ज्ञान भगवान दे रहे हैं, अपनी इच्छा को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमको श्रवण करना है, श्रवण के बाद दूसरा वस्तु आता है समन्वय कहते हैं उसको, समन्वय। समन्वय का मतलब मैंने आज श्रवण किया, आज आप यहां पर आए, आज आपने श्रवण किया कि भगवान की भक्ति करने से हमारे मनुष्य जीवन की संसिद्धि हमें प्राप्त होती है, लेकिन आपके मन में अभी ये विचार नहीं है। आपने श्रवण किया लेकिन अभी आपके मन में कुछ और विचार, आपकी भोग वासना की विलासा की इच्छा है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो निर्देश है ये मेरे लिए ठीक नहीं बैठ रहा, इसको बोलते समन्वय। लेकिन फिर भी हमको समन्वय उसको साथ में लाना होगा, अपनी इच्छा को उस इच्छा के साथ में मिलाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो तीसरा शब्द आता है उसके बाद सेवा। इस समन्वय नहीं भी हो रहा है तो भी सेवा करो, तो भी करो, ये जानते हुए कि मेरे परम हित के लिए है ये। उस निर्देश का जैसे जब गुरु महाराज हमारे कुछ बात बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, तो शुरुआत में ये जरूरी नहीं कि हमारा समन्वय बन जाए कि जो शास्त्र कह रहा है अरे वाह क्या बात कहा है, सुबह चार बजे जब करना वाह ये भी सोच रहा था, उसमें ऐसा नहीं हो, हमेशा नहीं सोच रहे। एक बार एक भक्त थे वो मंदिर से छोड़ के जा रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वो ब्रह्मचारी आश्रम थे, कहे कि मैं बाहर जाकर, तो उसे सब भक्तों ने मिलकर विचार किया कि आप बताइए कृपा करके, पर हमसे कोई त्रुटि हो गई कुछ सुधारना है, यहाँ पर आप जा रहे हैं तो कुछ बताइए, कुछ फीडबैक दीजिए कि क्यों जा रहे हैं आप, क्या कुछ अध्ययन में त्रुटि है, मंदिर में डीडी वर्षिप में कोई त्रुटि है, जप करने में कोई, क्या बताइए, कह नहीं सब ठीक है सब ठीक, तो कह क्यों जा रहे हैं, कहे बस एक चीज मुझे नहीं अच्छी लगती, क्या, कहे जो मंगल आरती है ये 4:30 बजे नहीं, कम से कम 8:30-9 बजे करिए तुम। तो कहने का मतलब समन्वय, समन्वय जो जो शास्त्र निर्देश दे रहे हैं, जो साधु बता रहे हैं, हो सकता है कि अभी हम स्थिति में नहीं है कि वो मुझे अच्छा लगे, मेरे ही मन से हो रहा है, नहीं हो सकता है मेरे मन से नहीं हो रहा है, लेकिन सेवा फिर भी मैं करूंगा, इसको बोलते हैं समर में नहीं है फिर भी करूंगा। और तब क्या होगा, इसके लिए क्या चाहिए, ये कब कर पाएंगे, जब हमारे चौथा गुण होगा जो बताया गया इस लीला में, सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब सहना, कि मेरे मन में नहीं है फिर भी मैं सह के करता हूं, सहनशील, इसको बोलते हैं सहिष्णुता। जब हम सुनते हैं कि यथा तरो निषेचनेन, सॉरी तो वैसे तो मान सम्मान की बात होती है, लेकिन उसका सूक्ष्म मतलब क्या है कि मेरे मन में नहीं है वो, अभी मेरे विचार में नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु के विचार शास्त्र के विचार को मैं अपना रहा हूं, सह के सहन कर रहा हूं, त्याग करके अपने विचारों को सहन करके मैं उसको मान रहा हूं। और तब कुछ समय के पश्चात हम देखेंगे कि हमारा समन्वयता समन्वय बन जाएगा, तब वही विचार हमारा विचार एवं बुद्धि पराबुद्धा, गीता में भगवान कहते हैं 43 वर्ष में कहते हैं एवं बुद्धि पराबुद्धा, तब हमारी बुद्धि वो बुद्धि हमारी बुद्धि बन जाती है कुछ समय के पश्चात। तो ये नियम है, अगर अभी हमारे मन में विचार नहीं आ रहा है जो हमको बताया जा रहा है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, करते रहे, मन की न सुने कोई बात नहीं, अभी मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रहा फिर मैं कर रहा हूं, करते रहे। तो कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि सेवा भाव से मन में परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार से उस शक्तियों ने कहा कि अब आपको बनना पड़ेगा, और तब भगवान ने बनने के लिए अपने आप को वहां पर मजबूर कर दिया, बनना ही अब स्वयं बन रहे, स्वयं बन रहे मतलब उनकी इच्छा एक हो गई, दोनों की इच्छा एक हो गई, समन्वय। और तब तुरंत ही भगवान बन गए, दो मिनट में बन गए, सारी रस्सी जो आई थी ऐसी किसी पड़ी रहेगी, खाली जो पहली वाली रस्सी थी उसी से बन गया भगवान, और बाकी रस्सियों से क्या बन गया, वहां पर कारपेट बिछ गया माता के लिए जाने के लिए।
उसके पश्चात फिर कहते हैं इति दिक्स्वलीला भिरानंद कुंडे, इस प्रकार की लीला से भगवान सभी भिरानंद कुंडे सारे ब्रजवासियों को हमेशा आनंद के कुंड में स्नान कराते हैं, सारे ब्रजवासी। और इसलिए सारे भक्त भी जो भगवान के भक्त हैं, आप देखिए थोड़े ही समय की भक्ति के पश्चात उसने महाराज ने बताया बहुत सुंदर रूप से परम पूज्य चारू महाराज ने कि साधना भक्ति में हमको दो चीजें स्वाद में प्राप्त हो जाती है। भक्ति के 6 गुण बताए गए, भक्ति सामने से गुण कौन बताएंगे? भक्ति के 6 गुण बताए गए, 6 गुण कि भक्ति का मतलब 6 चीज होनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभा सदानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च। और ये 6 चीजें जो होती हैं, ये 3 स्तर है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो अभी हम सब किस भक्ति में है? साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में 2 चीज हमको मिलेगी, 2 कृपा मिलेगी शुरुआत में ही, क्लेशाग्नि शुभदा। क्लेशाग्नि, क्लेश नि, क्लेश का मतलब अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, जो समस्याएं हैं। घनी महाराज बोला उसका वध कर देगा ये भक्ति, उसका हत्या कर देता है, समाप्त कर देगी भक्ति। इसलिए आप देखिए कुछ समय की भक्ति के पश्चात भक्तों का चेहरा देखिए, आप मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। ये बार एक महाराज परम पूज्य भक्ति विज्ञान अभी भी है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो जहाज में यात्रा कर रहे थे, जहाज में उनके बगल में एक स्त्री बैठी हुई थी, बुढ़ी स्त्री थी, वृद्ध स्त्री थी, बुढ़ी मतलब की 60 साल के आसपास, और किस उनके पास अमेरिका में कई इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी बहुत धनी परिवार से, कई फैक्ट्री उनका खुद का फैक्ट्री था, उसकी मालकिन थी। तो वो देखी महाराज से, बार बार देख रही थी महाराज के बगल में बैठे हुए थे, तो महाराज हमेशा मुस्कुरा रहे थे, तो उसको रहा नहीं गया। बाबा ने उससे पूछा कि आप क्यों इतना हंस रहे हैं, कि आप इतना प्रसन्न क्यों, आप क्या करते क्या हैं? तो बोले कि मैं साधु हूं। बोले आपके पास कितना संपत्ति है? बोले मेरे पास 1 भी संपत्ति नहीं, मैं आज यहाँ पर हूँ, कल वहां जाऊंगा, मेरे पास अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मेरे पास, Somebody will come to pick, कोई आएगा मुझे लेके जाएगा तो जाऊंगा, कहाँ पे जाना है कहाँ, मुझे कुछ पता नहीं है। बोले मेरे पास 10-10 फैक्ट्री है, मेरे पास इतना $1 million है, लेकिन आप इतना खुश कैसे? मैं खुश नहीं हूँ, आप इतना खुश सोचिए, सब बात चल रहा है। उसको लगा कि मेरे पास इतना कुछ धन है और ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा प्रसन्न दिख रहा है, क्या बात है, क्या इसके पास है? तो मेरे पास नहीं है। और तब महाराज उसको पीछे करना शुरू किया कि देखो आप जो कर रहे हो सब सही के स्तर पर, हम आत्मा के स्तर पर जीव जीते हैं, इसलिए भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह की लीला में भगवान क्या करते हैं, विदानंद कुंडे सबको कुंड में स्नान करा रहे हैं, गोस्वामी कह रहे हैं सारे ब्रजवासी बता रहे हैं। और इस प्रकार से सपत मुनि इस लीला का, इसी लीला को सुधे गोस्वामी बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में, उसको वर्णन करने के पश्चात अब अपनी प्रार्थना रखते हैं। प्रार्थना क्या कह रहे हैं, प्रार्थना के पहले एक चीज स्थापित कर रहे हैं। इस लीला में विशेष रूप से 3 चीज बताई गई है, इस लीला के माध्यम से 3 चीज को प्रसिद्ध किया गया। भगवान जब लीला करते हैं उसका उद्देश्य होता है, इसमें पहला उद्देश्य क्या है, अपने भक्तों का गुणगान करना, श्रद्धा का गुणगान करना। दूसरा, भक्ति तत्व को सबके सामने प्रकाशित करना कि भक्ति के द्वारा आप मुझे जीत सकते हैं। भक्तर जीतत्वम, भक्ति बद्धम, ये शब्द आएंगे।